Hey guys, welcome to Ami Vlogs, नए और फ्रेश वीडियो में आपका बिल्कुल स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है एक अपनी स्टैंडर्ड 350 BS6 के ऊपर होने वाली है। कि बंदे मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे कि यार BS6 में पटाखे नहीं फटते हैं, नहीं RPM इसकी डाउन होती है। तो इस आपको एक मैं बाइक दिखाने वाला हूँ स्टैंडर्ड 350 BS6 जो कि इसमें पटाखे फटते हैं और जो RPM वो भी लो है। तो वही सबसे पहले आपको बाइक बताते हैं। तो वही ये रही अपनी स्टैंडर्ड 350 BS6। पहले इसमें जो बात करें इसकी, तो इसमें जो आप हैंडल देख रहे हो ना, इसमें ये लगे अपना स्प्लेंडर वाला हैंडल, और ये जो छोटा सा मीटर है ना, ये भी BS3 का लगा है, ये भी चेंज हुआ है इसमें। ये जो इसका जो मेन काम है ना, वो चूँकि बैटरी पे कितना मतलब पावर प्रोड्यूस हो रही है वो सारा कुछ बताता है ये। और अपना नेक्स्ट पे आते हैं, ये जो इसका छोटा ये जो हैंडल का ग्रिप है ना, ये भी अपनी ओल्ड बुलेट वाली लगी है इस पर, ताकि अपना ओल्ड स्टाइल आए थोड़ा। और वैसे उसके बाद ये जो टोन ऑफ करने वाला, ये भी BS3 वाला लगा है, ताकि अपनी लाइट वगैरह भी ऑफ कर सकते हो इससे आप। और उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात करें, इसमें डला है अपना सी बैंड पाइप डली है इसमें, और जो सेंसर डला है इसमें शॉर्ट बोल्ट का डला है। तो ये सबसे पहले बता दें आपको, जो BS6 में अपना सेंसर सिस्टम आता है ना, वो इसमें नहीं है, क्योंकि इसकी जो वायरिंग है ना स्टैंडर्ड की, वो पूरी चेंज की हुई है, BS3 वाली अपनी वायरिंग डली है इसमें। और इसमें नेक्स्ट बात की जाए तो इसमें क्या चेंज हुआ है, इसमें जो इंजन की जो मैग्नेट डलता है ना अपना, तो इसमें मतलब पुराना BS3 वाला डाला हुआ है, ताकि जो आवाज़ वो भी काफ़ी अच्छी आई और काफ़ी स्मूथ आवाज़ है, उसके लिए इन्होंने मैग्नेट भी चेंज कराया उसका। और गाइस नेक्स्ट बात करें तो कार्बोरेटर डला है इसमें, जो कि आपको पता होगा ये मतलब जो BS6 है उसमें EFI सिस्टम है, तो कार्बोरेटर नहीं होता उसमें, बट इन्होंने कार्बोरेटर अलग से डलवाया है उसको। और ये वाला इसमें जो ऑन ऑफ करने वाला इसमें नहीं होता है BS6 में, बट इन्होंने ये वाला भी करवाया है, इसे ऑन ऑफ कर सकते हो, रिजर्व पर लग जाती है गाड़ी। और चौक इसमें चौक का भी ऑप्शन है, ये देखो ये बाग करके ये चौक लग जाएगी इस पर, और मतलब कहीं बाइक वगैरह रुक जाए तो उसके लिए बिल्कुल बढ़िया चीज़ है ये। और इस नेक्स्ट बात की जाए तो जब ये कार्बोरेटर लगाया ना इन्होंने, तो जो इनकी टैंक है ये भी चेंज हुई है। जो इनका टैंक पहले था जो BS6 का, वो अपना आपको पता है EFI सिस्टम था उसमें, तो उसमें मोटर सिस्टम था, तो मतलब उससे नहीं हो सकता था, कार्बोरेटर नहीं लग सकता था उसमें, तो इन्होंने ये भी चेंज करवाया हुआ है, तो ये BS3 वाला टैंक डला इसमें। उसके बाद आपको नेक्स्ट बात की जाए तो गाइस इसमें रूट्स के ऑरन वगैरह डले हुए हैं, हमने देख ही लिए होंगे इसमें। और गाइस नेक्स्ट बात की जाए इसकी RPM वगैरह भी डाउन कर दी हुई है। और आपको सबसे पहले बता दूं, जो ये वाली चीज़ है ना, इससे मतलब आप इसको ऊपर करोगे तो RPM डाउन होगा, अगर इस साइड करोगे तो RPM लो हो जाएगा। वही सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड 350 BS6 की आपको आवाज़ सुनाते हैं कि आवाज़ कैसी है इस बाइक की। तो वही जो BS6 की साउंड है, और RPM डाउन करके कार्बोरेटर लगाने के बाद ये साउंड आ रही है इसकी, आप चेक कर सकते हो इसकी आवाज़। और गाइस इसके जो साइड के बोनेट, ये भी इसके BS6 के लगे हैं, मतलब कोई चेंज नहीं करवाया इसका, जो LEDs जो कंपनी से आते हैं ना इसमें वही लगे हैं, खाली सिर्फ ये टैंकी चेंज हुई है इसकी, कार्बोरेटर चेंज हुआ है इसका, और एक बैरिंग का मैग्नेट डाला उसमें, और खाली हैंडल चेंज हुआ है। उसके बाद मतलब एक जो अपना इंडिकेटर आते हैं ना, वो भी इन्होंने साइड निकाल दिए हुए हैं, ताकि लुक जो अच्छी आ रही है खतरनाक लेवल की। वही इसके मेन खर्चे की बात करते हैं कि मतलब कितना खर्चा आ गया इसके ऊपर। तो गाइस सबसे पहले आपको बता दूं, जो ये टैंकी डलती है ना अपनी BS3 वाली, ये डलती है 10,000 की टैंकी कम से कम। और गाइस इसकी वायरिंग भी चेंज है, क्योंकि इसमें जो सेंसर सिस्टम आता था वो सारा कुछ हटा गया है, मतलब इसमें सेंसर सिस्टम कुछ भी नहीं है, खाली ABS है यहाँ पर, ABS वैसे ही वर्क करते हैं जैसे पहले करते थे वर्क। जो इसमें सेंसर सिस्टम आता था वो सारा कुछ हटा दिया इन्होंने, और जो इसमें बैंड पाइप में आता था सेंसर वो भी पूरा हट गया हुआ सेंसर, ताकि जो आवाज़ है बिल्कुल स्मूथ आए, और मतलब RPM बिल्कुल लो कर दी गई इसकी। और गाइस सबसे पहले आपको बता दूं कि जो इस लगाने की टोटल कॉस्ट आती है ना, मतलब आप रख लो 16,000 से 17,000 के करीब आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी इसकी। और इसकी नेक्स्ट बात की जाए तो मतलब इस पे जो प्लग है ना, वो भी सिंगल लगा हुआ है, अगर भाई को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई अभी तक, मतलब काफ़ी अच्छी चल रही है बाइक, नई पिकअप पर कोई प्रॉब्लम आई नहीं, किसी चीज़ पर प्रॉब्लम आई अभी तक, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको शेयर कर दी जाएंगे। डबल लगाने इसमें जरूरी है कि नहीं जरूरी है, फिलहाल तो सिंगल से काम चल रहा है हमारा, तो हम चला रहे हैं उसको काम, और 17-18 हज़ार लग जाएंगे टोटल हमारा, ये मतलब कार्बोरेटर लगवाने के लिए आपका। सब बताते हैं ये बुलेट अपनी जिसके लिए जानी जाती है, मतलब जिसके लिए इतना ज़्यादा खर्चा किया है भाई ने, मतलब 20-25 हज़ार लगा दिए इस पर पटाखे मारने के लिए। तो फाइनली अब इसकी साउंड चेक करवाते हैं आपको पटाखे की।